जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक में अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 7 का नाम है सामाजिक समस्याएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न दे रखा है, जब हमारा अपना या नज़दीकी व्यक्ति रिक्त स्थान छूता है तो अच्छी भावनाओं की अनुभूति होती है। तो यहाँ हम लोग खाली स्थान में भरेंगे बच्चा, स्नेहवश। कोई आपको स्नेहवश छू रहा है तो उससे अच्छी भावनाओं की अनुभूति होती है। जैसे आपके माता पिता, आपकी माँ आपको वात्सल्य से स्पर्श करती है, आपके शिक्षक आपको स्नेहवश आपको शाबाशी देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, तो उनका जो स्पर्श होता है वो स्नेहवश होता है, तो उससे अच्छी भावनाओं को अनुभूति होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, समाज में आए दिन रिक्त स्थान की समस्या के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चा छेड़खानी। हम लोग आए दिन छेड़खानी के समस्या के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, पीड़ित व्यक्ति महसूस करता है, तो पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है। यहाँ पे हम लोग भरेंगे अपराध बोध। ठीक है बच्चा, ये आपको लिखना है। चौथा प्रश्न आपसे कहता है, शोषण एक विस्तृत किंतु छिपी हुई रिक्त स्थान है। तो यह क्या है? छिपी हुई सामाजिक समस्या है। यहाँ पे जो शोषण है वो विस्तृत किंतु छिपी हुई सामाजिक समस्या है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, भारतीय कानून के तहत महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर दोषी व्यक्ति को रिक्त स्थान महीनों की सज़ा होती है, तो उसे 3 महीनों की सज़ा होती है। यहाँ आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में यहाँ पे दे रखे हैं कुल 5 पार्ट हैं इसके। पहला प्रश्न कहता है, अच्छा स्पर्श किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बच्चा, कि जब हमारा अपना या नज़दीकी व्यक्ति हमें अपने स्नेहवश छूता है तो अच्छे भावनाओं की अनुभूति होती है, जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन, स्नेह या सुखद अनुभव। उस स्पर्श से हम सहज महसूस करते हैं तथा खुश होते हैं। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हो तो शिक्षक आपको शाबाशी देते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो वो स्पर्श उनका स्नेहवश होता है, उससे आपको और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। या फिर जब आपको माँ आपको दुलारती है, आपको प्यार से गले लगाती है, तो उसमें एक वात्सल्य होता है। ठीक है बच्चा, या फिर जब आपके पिताजी आपको कंधे में बैठा के घुमाते हैं, गोदी में लेके घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी एक वात्सल्य होता है कि आप अपने पिताजी के साथ घूम रहे हो, तो उससे आपको सुख की अनुभूति होती है, आप सहजता महसूस करते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अच्छा स्पर्श। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि बुरा स्पर्श क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति हमें ऐसे तरीकों से छूता है जिससे स्नेह या सुखद भाव का अनुभव नहीं होता है, हम असहज महसूस करते हैं। ऐसे स्पर्श से हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, उस स्पर्श को बुरा स्पर्श कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसे कोई व्यक्ति आपको ऐसे स्पर्श कर रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये स्पर्श जो है वो बुरा स्पर्श होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है बच्चे। प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है, जब आपके माता पिता स्पर्श करते हैं तब आप कैसा अनुभव करते हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर में हम लोग, जब हमारे माता पिता हमें स्पष्ट स्पष्ट की जगह यहाँ पे आप लोग स्पर्श भरोगे। ठीक है, क्या भरना है हमें बच्चा? यहाँ पे हमें भरना है स्पर्श। जो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है इसे यहाँ पे कट कर देना है और इसके स्थान पर आप लोग भरेंगे स्पर्श। ठीक है, स्पर्श करते हैं तो हमें खुशी होती है, वह हमारी पीठ थपथपाते हैं, वे स्नेहवश और वात्सल्य भाव से स्पर्श करते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप अपनी माँ के गोद में बैठते हो, तो आपको क्या लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? जैसे बचपन में कोई बच्चा रहता है तो कोई उसे पीटता है तो वो दौड़ के जाता है अपनी माँ के आँचल में बैठ जाता है, अपने आँचल से खुद को ढक लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो मैं पूरी दुनिया से बच गया हूँ, माँ के आँचल में मैं सुख हूँ। तो उसे बचपन से ही जो माँ का वात्सल है वो उस पर उमड़ता है और वो सुख की अनुभूति करता है। या फिर जब उसे पिताजी अपने कंधे पर बैठाते हैं, लड़की है जब लड़की होती है तो मेरी गुड़िया रानी ऐसे करके दुलारते हैं, और जब लड़का होता है तो मेरा राजा बेटा ऐसे करके दुलारते हैं, तो उससे बच्चे को खुशी होती है, वो सुखद महसूस करता है। ठीक है, ये चीज़ लिखना है बच्चे आपका। चौथा प्रश्न आपसे कहता है, छेड़खानी से बचने के 3 तरीकों को लिखिए। तो लिखेंगे, छेड़खानी से बचने के उपाय हैं। पहला, व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि मैं बात करूँ स्पर्श की, तो उसका स्पर्श कैसा है, ठीक है, उसका स्पर्श किस प्रकार है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अनावश्यक मेल जोल बढ़ाना, बिना कारण बार बार घर पर आना या अपने घर पर बुलाना, हमें इससे बचना चाहिए। कोई व्यक्ति बिना कारण के आपके घर पर आता है और सिर्फ बात करने, या फिर बिना कारण के, उसका कोई कारण नहीं बार बार आना, या फिर आपको बिना कारण घर पर बुलाना, हमें इनसे बचना चाहिए। ये सभी छेड़खानी से बचने के अंतर्गत आएंगे। तीसरा लिखेंगे, हमें उनसे दूर रहना चाहिए जो हमें अकेला देखकर हमारे आसपास चक्कर लगाता हो, ठीक है। और चौथा हम लोग लिखेंगे, किसी अपरिचित से हमें उपहार नहीं लेना चाहिए। यदि कोई अपरिचित है और आपको उपहार दे रहा है, उपहार पे जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आपको टॉफ़ी दे रहा है या कोई खिलौने दे रहा है, तो आप उससे खिलौने कभी मत लीजिए। खासकर ये चीज़ ज़्यादातर लागू होती है बच्चों, लड़कियों के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो आपको उपहार दे रहा है या फिर टॉफ़ी दे रहा है या किसी भी तरह का लालच दे रहा है, पैसे दे रहा हो, तो आप उसे कभी ना लो। और अपने व्यक्ति परिचित व्यक्ति को अपने व्यक्ति को आप उसके बारे में बतला दो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, बाल शोषण से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे, बच्चों के साथ छेड़खानी, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, यह सभी बाल शोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको प्रश्न संख्या 5 का आंसर लिखना है। बच्चों, आप लोगों ने जितने भी भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक के टारगेट को भी आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, आइए चर्चा करें। इस पर तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, बाल शोषण सभ्य समाज के लिए एक कलंक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो लिखेंगे इसमें बच्चों कि मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे सभ्य समाज के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं तथा यहाँ या सभी एक दूसरे को सहारा देते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, बच्चे बड़ों को देखकर प्रेरित होते हैं, अतः समाज में बाल शोषण होना एक कलंक है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या 3 में चलिए, प्रश्न संख्या इसके बाद 4 करते हैं, बाल शोषण जैसी घटनाओं से बचने के उपायों की चर्चा करें। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, गलत व्यवहार का ऊंची आवाज व प्रभावशाली तरीके से विरोध करना चाहिए। दूसरा लिखेंगे, इन घटनाओं को मौन रहकर सहने से अपराध बोध व तनाव बढ़ता है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। तीसरा हम लोग लिखेंगे, किसी भी प्रकार की घटना को छुपाना नहीं चाहिए। बिना अपराध बोध के माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य बताना चाहिए। ये आप लोग लिख लोगे प्रश्न संख्या 5 में। तो थैंक यू बच्चों आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।